विवेकानंद एयरपोर्ट पर बेंगलुरु में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी हुई है। 180 मजदूरों के पहले दल को विमान से वापस रायपुर लाया गया है। इन श्रमिकों को क्वारंटीन करने का जिम्मा सरकार उठा रही है। इनमें से अधिकतर श्रमिक पहली बार विमान में बैठे हैं। घर लौटने पर उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। बेंगलोर में फंसे थे 4 महीने से, उधर से एक एक दिन एक एक पल ऐसे लगता था जैसे मानो ये लॉकडाउन खुले तो हम काम में लग जाए या तो हम वापिस अपने छत्तीसगढ़ चले जाए, ऐसे लग रहा था। हम लोग उधर हॉस्टल बना रहे थे, बहुत बड़ा 5 मंजिल का हो रहा था सर। ऐसे देता था खर्ची वर्ची हमारे ठेकेदार, तो ऐसे हफ्ते चल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, हम अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद कहते हैं कि हमें वापस बुला लिया। मैसूर 3 महीना हो गया लॉकडाउन में फंसे। लॉकडाउन है तो सीधा ये काम चलते तो ओती काम नहीं चलते, ओती पैसा मिला तो ओती पैसा नहीं मिला थे, और फिर इतना दूर प्रदेश में फंसे खुशी कैसे मिले। अपन राज्य में आवे तो सभी बात के खुशी, अपन बाल बच्चा कर मिलबो जाबो देखबो। पहली बार हवाई जहाज में बैठ कान तो बढ़िया लगी, सब अच्छा लगी। क्या गुजारा भैया, गरीबी से किसी जल रहा था, एक सामान मिला तो सामान नहीं मिला। वहाँ हमारा 8 आदमी, अच्छा हमारा छत्तीसगढ़ तक आया था, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप ऐसा है तो घर में हम जाएंगे, गाँव में पता चलेगा कैसा है तो वहाँ कहेंगे भैया, बढ़िया धन्यवाद कहेंगे। आप क्या परेशानी भैया, कभी चावल मिलते कभी सब्जी मिलते कुछ नहीं मिलते, बाजार जाने में दिक्कत पड़ते, बाजार जाते तो भागो भागो हटो हटो ऐसा। हमारे को पुलिस धर के लाया, समूह समिति हमारे को पूछा, कर्नाटक वाले सरकार ना सब हमारे को ऐसा साड़ी सैंडल पैसा ऐसा कोलगेट ब्रश जी भी साबुन सब चीज दिया वो लोग। हाँ ओढ़ने के लिए कम्बल ब्लैंकेट सब। सिवनी मालवा में कोरोना संक्रमण के चलते